वेलकम अगेन गाइस। तो आप सभी का स्वागत है आज के नए ब्लॉग में, और यहाँ से करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। और बाकी ये रहा निंजा, और इसको तो भाई बोलना क्या, ये तो देखो ए। और अभी टाइम काफ़ी हो गया है, चलते हैं सीधा काम पर। तो सबसे पहले यहाँ से करते हैं फ्यूल रिफिल। तो यहाँ तो लगा हुआ कट, आज लाइट नहीं आएगी। तो दुकान में तो भाई लाइट सुबह से गई है और शाम को आएगी। आज फुल डे का कट लगा हुआ है। यहाँ पर कॉल किया, सामान डाला, और अब जा रहे हैं सीधा मनसिम्बल में शीट डालने के लिए। यहाँ पर जनरेटर है पड़ा हुआ। तो लो भाई पहुँच गए यहाँ साइट पर। तो आज लाइट के चक्कर में यहाँ पर आना पड़ा। तो चलो ये वाला काम भी काफ़ी दिन का पेंडिंग था, जब भी हो जाएगा। ओ भाई क्या बात है भाई, सारा पेंट वर्क इनका कंप्लीट है। तो वेलकम अगेन गाइस, तो आप सबका स्वागत है आज के नए ब्लॉग में, और यहाँ से करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। और आज यहाँ पर आए हमने, दुकान लाइट थी नहीं, तो आना पड़ा यहाँ पर हमें साइड पर। तो यहाँ पेंट का ये वाला शेड हमने बना दिया था, ये वाला। और अब यहाँ पर डालनी है इनकी शीट। तो सबसे पहले तो यहाँ पर लाइनर का काम करेंगे। तो यहाँ की लाइनर शीट, और बाकी जो इनकी शीट आई हुई है वो मंगवाई 18 फुट में। तो ये देखो साइज आप। कितनी हुई है? 13 फुट। 13 फुट 13 फुट। तो इसका साइज शीट का 18 फुट। तो करते हैं सबसे पहले यहाँ पर सिलिंग शुरू। तो इस खाने में सारी भी सिलिंग, बाकी लाइट यहाँ पर भी है नहीं, और सारा काम चलेगा यहाँ पर भी जनरेटर से। ये यहाँ पर बैल क्यों बैठे हो भाई? मिल गया अर्थ पुराना। तो ये वाला हमारा पिछली बार यहाँ पर रह गया था, तो फाइनली आज अचानक मिल गया ये वाला। इसको रखते हैं यहाँ पर। हमारी जितनी भी जहाँ की फिटिंग थी सारी कंप्लीट हो गई इस लाइनर शीट की। और अब करते हैं जनरेटर को स्टार्ट, क्योंकि लाइट तो है नहीं, और फिर चलाने के लिए हमें चलाना पड़ेगा जनरेटर। चलो चलाते हैं जनरेटर पहले, चलो देखते हैं जनरेटर कैसे चलता है। तो लास्ट ये वाला जनरेटर हमने चलाया था उस दिन, जिस दिन ये वाला शेड बनाया था, उसके बाद ये वाला जनरेटर वैसे का वैसे खड़ा है। उसको आज करते हैं शुरू। नहीं है स्टार्ट फिर एक बार। तो जब हमने इनको सुबह फ़ोन किया ना, उन्होंने कभी तेल मंगवा के उसमें तेल डलवा दिया था। बाकी काफ़ी दिन हो गए, इसलिए थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा सा एक दो बार, लेकिन ये स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। एक बार फिर कैसे कट रहा है, बस 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 बस। तो लो भाई ये तो हो गया स्टार्ट, लेकिन अब कानों की बाइक खैर नहीं है। पूरा दिन आज बस इसको क्या हो गया। अब इस बैल को मैंने यहाँ जनरेटर के पास बैठा, तो यहाँ से इसको उठाया। अब देख रहा हूँ कि जब ये चल रहा है, तब दिखा कि भाई इसकी तो एक प्रॉब्लम में काफ़ी चुप। तो अब इसकी जो कटिंग है सारी पत्तियों की करना शुरू कर दीजिए वाली। यहाँ से ये पत्तियाँ कटिंग करेंगे, और ये लाइनर शीट इसको करेंगे लॉक। पक्के देखते हैं ऊपर से। ये वाली लाइनर शीट हमारी इस तरह से आएगी नीचे, और ऊपर से पत्ती के साथ इसको करेंगे बिल्कुल लॉक कर देंगे बेल्डिंग के साथ। तो ये इस तरह से पूरी आगे तक लाइन जाएगी लाइनर शीट की। और एक बार जहाँ सामने ऊपर का व्यू देखो, आज का मौसम कितना बढ़िया है,
क्या बात। तो जैसे कि लाइट तो थी नहीं, लेकिन जहाँ जनरेटर से काम चला हुआ, लेकिन एक जनरेटर से एक ही पंगा है, कान भाई खा रहा है पूरा तगड़े तरीके से। और गर्मी साथ में बहुत ज़्यादा गर्मी भाई आज तगड़े वाली। तो हम तो जो कैंपर साथ में लेके आते थे दुकान से ही, और बाकी रह गया ये वाला टैटू इल्यूमिनाटी का। इसके लिए तो आपको भाई अपनी रूह का सौदा जताऊंगा आपको मैं बाद में किसी और वीडियो में। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली आउटर जितनी भी सिलिंग है ये वाली लाइनर शीट वाली, इसको करना पड़ेगा कंप्लीट। उसके बाद आएगी हमारी ये वाली ग्रे कलर की 18 फुट की शीट। तो जॉइंटलेस शीट लगाने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है सिर्फ कस्टमर का ही और बिल्डर का, इसमें पर स्क्वायर फुट के हिसाब से काफ़ी नुकसान होता है। तो भाई कोई नहीं पड़ेगा। तो ज़्यादा टाइम इसमें जो लगेगा ना स्ट्रक्चर में, वो सिर्फ सीलिंग करने में टाइम लगेगा। सीलिंग सारी कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद सीधी शीट लगाना वो आसान है, क्योंकि उसमें बिल्कुल जॉइंटलेस है, फटाफट एक एक शीट लगती जाएगी और काम जल्दी हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है भाई 3 बज गए हैं, लेकिन पानी से काम चला हुआ है। आज खाना खाने नहीं गए घर पर, अगर खाना खाने जाते हैं भाई घर पर तो ये काम नहीं हो पाएगा। तो हमारा ये मतलब है कि आज लाइट के चक्कर में जितना काम यहाँ पर निकल जाए उतना ज़्यादा बढ़िया है। बस हाँ, जहाँ लोकल में गए थे बस चाय पिए और बाहर खाना भी खा सकते क्योंकि लगे हुए नवरात्रे। तो ये वाला काम जितना खींच सकते हैं उतना आज खींच लेते हैं। तो बाकी हम सिर्फ चाय पीने गए थे पारमल सिंबल में, वहाँ चाय पिए और आगे। और बाकी आपको मैं शीटों का थोड़ा सा बता देता हूँ मैं डिटेल थोड़ी सी, कि ये शीटों का साइज़ आपको 3 फुट से लेकर 25 फुट तक आपको शीट मिल जाएगी। और बाकी थिकनेस की बात करें तो 45 mm से लेकर 62 mm की शीट आप जहाँ तक अवेलेबल है। और बाकी यहाँ पर मैं किसी भी शीट की प्रमोशन या ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ मैं, बाकी आप अपने हिसाब से कोई भी देख कर ले सकते हैं, लेकिन रेट में काफ़ी फ़र्क आपको मिलेगा यहाँ लोकल के मुकाबले। जितनी हमने शीटें खड़ी करी थी बाहर सामने की ओर से, तो वो वाली शीट मैंने सभी ऊपर लगा दी हैं। और बाकी अभी इसमें स्क्रू सारे लगाने के बचे हुए हैं, सिर्फ अभी इसको सिर्फ हमने एक या दो दो स्क्रू से बस लगा दी है, इसको इंस्टॉल कर दिया शीट को। तो चलो बाकी अब ऐसा करते हैं कि जो अगली शीट थी वो भी हमने शीटें खड़ी कर दी हैं अभी, ये वाली भी, तो अब इनको भी ऊपर चढ़ते हैं। और बाकी इसकी जो लेमिनेशन है वो हम ऊपर ही उतारेंगे शीटों की, बाकी टाइम भी काफ़ी होने वाला है। और ये रही भाई 18 फुट की शीटें। तो ये जो बाहर वाली शीटें हैं ना, ये थोड़ी सी लंबी हैं, ये 18.5 फुट की शीट कटवाई हमने। तो सामने का व्यू क्या एक बात है भाई। और बाकी आपको बताऊँ, ये ग्रे कलर जो है ना स्ट्रक्चर में काफ़ी बड़ी लग रहा है। बाकी इसकी लेमिनेशन जो हम सिर्फ ऊपर उतारेंगे, क्योंकि स्क्रू लगाने के बाद ठीक रहेगी इसे। अब आप यहाँ से देखो शिट्टे, अब मैं ऊपर आया थोड़ा यहाँ पर, तो अब यहाँ से देखो जब शिट्टे कितनी लार्ज स्ट्रक्चर लग रहा है ये वाला, और बिना जॉइंटलेस के ये शीट है। यहाँ से देखो आप, बिल्कुल बीच में कोई जॉइंट नहीं है। और बाकी हमने सिंगल सिंगल भी स्क्रू इसमें लगाए हुए हैं, बाकी इसमें पक्के स्क्रू बाद में करेंगे, ये आगे तक शीट लगा लेंगे फिर उसके बाद। और बाकी एक वो लास्ट शीट हमें को लगाने को बची हमको, तो इसमें थोड़ी सी कटिंग होगी क्योंकि बीच में पीछे लेंटर भी है, तो एल शेप में थोड़ी सी कटिंग होगी। और क्या भी व्यू है भाई यहाँ पर। और ये शीट लेंटर के अंदर, यहाँ से आपको बताता हूँ मैं, ये 2 फुट अंदर गई हुई यहाँ से।
और जो हमने शीटें खड़ी करी थी वो भी लग गई हैं। अब जो साइड वाली जो एक लाइनर शीट लगा रही बचने सीलिंग वाली एरिया, तो इसको करते कंप्लीट, उसके बाद फिर करेंगे शीट वाल लास्ट स्टंप डालेंगे, फाइनल यहाँ से हो जाएगा। और उसके बाद हमें कुल लगाने को बचेंगे सारे इसके स्क्रू, बाकी ये लाइनर शीट डालते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रू और लैमिनेशन उतारने के लिए शायद हमें कल आना पड़े, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है। बाकी चलो देखते हैं, जितना काम हो सकता उतना खींचते हैं। बाकी सूरज तो लगभग अब यहाँ पर सिर्फ एक शीट के चक्कर में जो 8 फुट की शीट में से काटना पड़ेगा पीस। और टाइम बताऊँ आपको 6:30 हो गए हैं, तो अब क्या करें भाई, थोड़ी सी डिस्टेंस तो करनी ही पड़ेगी। बाकी अब शीट डालते हैं, तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। ये काम करते हैं, एक शीट डालते हैं फाइनल वाली, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। तो काफ़ी देर हो गया भाई, 7:02 हो गए हैं अभी यहाँ पर, पीछे टाइम हो गया हमारा लगभग आपको टाइम बताऊँ मैं तो भाई काफ़ी लेट हो गया आज। ये देखो 7:20 काफ़ी लेट हो गया आज, पर चलो ये काम निकल गया लगभग। और थोड़े स्क्रू ड्राइवर बचे हुए तो वो कल कर देंगे फाइनल का, और बाकी चलते हैं आज घर पर। देखो बाहर देखो कुल अंधेरा भाई अभी, चलो चलते हैं। तो लोग भाई पहुंच गए हैं घर पर, तो लगभग 7:45 हो गए हैं। और अब ऐसा करते हैं कि जो हमारा लेमिनेशन और स्क्रू काम बचा उसको करेंगे कल। और बाकी भाई अपने वीडियो देख अच्छा लगे देखने में तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो भाई उनको तो भाई ग्रैंड सल्यूट। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई वो भी चैनल को लो सब्सक्राइब। आपने कुछ नहीं करना है, जहाँ साइड में आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वहाँ पर उसको टच करो, साथ में बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर दो। और कुछ नहीं करना है बिना किसी फीस के, बिना किसी शुल्क के। तो यहाँ पर करते हैं आज के ब्लॉग का एंड, और आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में बहुत जल्द। छपा हुआ सामने दिखाई दे रहा, तेरी कोटी दिखाई दे रही मेरे को यार इतना।